ये मेरा ब्रेकफास्ट था जो कि भाई लाया था, और ये मैं आगे वाली क्लिप में बैठ के खा रही हूँ। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, मेरा गला खराब, गला बहुत ख़राब है तो बोला नहीं जा रहा। ये हमारी तरफ एक फेमस छोले मिलते हैं, वो खाए थे मैंने। और फिर मैंने खाने में आलू गोश्त बनाया था, तो मैंने वो खाया था खाने में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग सुपर फाइन एंड ग्रेट इन योर लाइफ। ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ, 7:45 बजे शूट में सुबह से कर रही हूँ। और स्टार्टिंग अभी ली है बिकॉज मुझे नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग नहीं की है। खैर, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। बहुत अरसे बाद जो है वो इतने फ्रेशली मैं ब्लॉग कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट माई ब्यूटिफुल हेयर, इसमें अपना ब्लो ड्राई करा के आई हूँ, बट नहीं आज तो क्या हो गया बोलो। तो दो तीन दिन से, इस हफ्ते तो बहुत ही छोटे छोटे ब्लॉग्स आ रहे, मेरे को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था असाइनमेंट्स का और और जो है यूनिवर्सिटी का, तो एट ऑल तो मैंने नहीं डाली। खैर, आज अभी मैं गई थी सुपरमार्केट कुछ कुछ चीज़ें लेने, तो रह गई थी जो मेरे जहाज़ नहीं लेके आए थे, तो मैंने थोड़ी सी खाई थी। उसके बाद मुझे अभी स्किन केयर करनी है आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे मास्क लगाना है, मुझे क्लींजिंग करनी है, मुझे टिंकल करना है। तो पहले सबसे पहले हम चाय पियेंगे एंड उसके बाद और मुझे बर्तन भी धोने, दोपहर के बर्तन अब तक किसी ने नहीं धोए तो मैं धोने हैं। और क्या लाइटनिंग है यार, तो फिर मैं सामान पहले बर्तन धो के आ जाती हूँ, ठीक है। फिर गाइस मेरे पास थे तो बहुत सारे काम, बट मैंने कहा तो कि कल मेरी ऑफ है यूनिवर्सिटी की, तो आप जब भी ब्लॉग देख रहे होंगे तब मेरी ऑफ ही चल रही थी। मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया, खैर कल मेरी ऑफ है। एंड कल बाय द वे मैंने आईब्रोज बनवाई हैं, कल मेरी ऑफ थी, देखिए आई डोंट नो शो दी नो व्हाट आई हैव टू डू। तो कल मेरी ऑफ है तो मैंने कहा कल मुझे जाने में लगा, बिकॉज टुमारो इज द इवेंट इन आवर फैमिली, तो वहाँ जाना है। और मुझे अभी मैंने बर्तन धो लिए, शाम के ईशा की नमाज़ पढ़ ली, और मैंने कपड़े धोने को डाले हुए थे वो भी डाल लिए हैं। 10 बजने वाले हैं, अब तक मेरे मेरे खाने का वो नहीं है कि मैं क्या खाऊंगी, तो मैंने पास्ता बनाना है, तो मैं पास्ता बनाऊंगी। उसके लिए मेरी क्रीम लानी है, मैं जदीद गई अब वहाँ से नहीं ले ली, लेकिन आना ही नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बहुत गर्म हो रही है। तो मैंने कहा चलो असाइनमेंट्स वगैरह मंडे को हम कर लेंगे, बिकॉज मंडे मेरी ऑफ होती है। यार ये क्या हो रहा है, मंडे मेरी ऑफ होती है, ठीक है, ट्यूसडे भी ऑफ होती है, तो मेरे दो असाइनमेंट्स हैं, एक तो लास्ट डेट है 8 अप्रैल और एक की लास्ट डेट है थर्सडे, तो वो मुझे करना है और सबमिट भी करना है, तो वो मंडे कर लेंगे या ट्यूसडे कर लेंगे, ठीक है। एंड भी बनाती हूँ पास्ता, गाइस मैं पास्ता बनाने लगी हूँ, मेरी आयराइड हो रही है तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही, तो मैं पास्ता बना के फिर आती हूँ। न्यू रेसिपी है, अच्छी लगी तो बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो अब तक आती हूँ पास्ता बना के इन्फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। गाइस दिस इज हाउ द पास्ता सॉस इज लुकिंग राइट नाउ, बट आई एम डैम श्योर कि बहुत ही यम्मी बनेगा अगर अच्छा बनता है, तो आई विल शेयर द रेसिपी व्हेन आई विल बी ईटिंग, ठीक है, नहीं तो फिर फ्लॉप हो जाएगा, तो वो भी बताऊँगी, ठीक है। बट और ये भी बताऊँगी कि किसकी रेसिपी ट्राई की है मैंने। तो फिलहाल तो इसमें मैं और क्रीम ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च में आकर मैं सोच रही थोड़ी क्रीम बचा लूँ ताकि मैं सुबह नाश्ते में खा लूँ, हालांकि मैं दूसरी मंगा भी सकती हूँ, बट वो होता है ना एक मतलब, चलो देखते हैं। मोर एक और वो बता देती हूँ, उसमें मैंने बटर भी डाला, ऐसा लग रहा है मैं बटर चिकन बना रही हूँ, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट बटर चिकन। सो गाइस दिस इज द पास्ता, ये मैंने बस प्रेजेंटेशन की है बहुत ऑरेंज, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है ना, इसको ब्राउन रेड इज
ऑरेंज बहुत है, इसमें आ नहीं रेड। सो गाइस आई हैव डन जस्ट डन अ टिंकल बिकॉज मेरे मामू आ गए थे तो मास्क लग गई थी और जो अंदर के वो थे ना पिंपल्स वो पर क्या आ गया, मुझे इसके भी ज्यादा करना था क्योंकि मैं देखना चाह रही है वहाँ अभी भी हो रहा है कि पिंपल्स मेरे बहुत हो रहे थे। तो खैर मैं टीचर लाइन में तो मैं लगाऊंगी बट थोड़ी देर रेस्ट के बाद क्योंकि अभी मैंने टिंकल किया फौरन से कहीं वो रिएक्ट ना हो जाए। ये देखना अभी दाने जो हो रहे हैं ना मेरे बहुत दिनों से हो रहे थे, मैं चाह रही थी कि थोड़ा मैं फेस साफ कर लूँ उसके बाद आईब्रो भी हो गई फेस भी गया अच्छा अच्छा लग रहा है ना मेरा। तो खैर अभी खाना वाना सब खा लिया पास्ता पास्ता बहुत गुड है बट मैं उसकी रेसिपी नहीं बता रही बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी। सो तो यहाँ तक किया बस टिंकल इज वेरी गुड फॉर द गर्ल्स हु हैव टू मच हेयर्स। अम्मी यार आवाज कम कर लिया करें थोड़ी। हु हैव टू मच हेयर्स ऑन देयर फेसेस टिंकल इज वेरी गुड और यू कैन बाय एनी अदर टिंकल फ्रॉम मेमी सो मेमी सो व्हाटएवर। गाइस दिस इज द मास्क दैट आई हैव अप्लाइड आफ्टर क्लींजिंग। ये मैंने लाई थी मैं उसने यूसुफ ठीक है सईद गनी का मिल्क में मिक्स करके लगाया है मैंने तब इसको मैं 10 मिनट्स के बाद वॉश कर लूंगी जब ये ड्राई हो जाए स्किन केयर टाइम। सो गाइस लाइट बंद कर रही थी बट एक्चुअली मैं दिस इज माय फेस आफ्टर डूइंग द मास्क एंड एवरीथिंग और मैंने ट्रीटमेंट भी लगाया विद ऑलमंड ऑयल तो थोड़ी मेरी स्किन शायद बेटर हो जाए। सो यार गाइस दिस इज इट फॉर द व्लॉग। मैं जो मार्च से शॉपिंग करके आती हूँ वो नहीं दिखाई मैंने ऑगस्ट वाला व्लॉग में दिखा दूंगी क्योंकि इन्हें प्रिपेयर लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। सो आई थॉट के बाय सो वैसे मुझे दिखा सकती थी दो तीन चीज़ें। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए प्यार बैठिए जो बच्चे हैं वो करिए गलत चीज़ सही चीज़ सही चीज़ गलत चीज़ नहीं पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए उनको प्यार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़। किसी का कॉफी किया है सॉरी बाटिया अल्लाह हाफिज़।